हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इन टुडेस वीडियो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ किस तरह से आप अचीव कर सकते हैं परफेक्ट ब्राउज यूजिंग न्यू लॉन्च्ड ब्रा प्रोडक्ट एंड आल्सो इट्स वेरी वेरी अफोर्डेबल प्रोडक्ट। वो आप मेरी आगे की वीडियो में देख लेना। एंड आल्सो अगर आप देखना चाहते हैं कि किस तरह से मैंने ये लुक अचीव किया है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट विद द ट्यूटोरियल। तो आज सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी विद माय ब्राउज और यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ ये न्यू लॉन्च्ड है इन ब्लू हेवन। दिस इज द आर्टिस्टो ब्राउ पेंसिल स्लैश स्टाइलर। गाइज ये वाटर रेसिस्टेंट प्रोडक्ट है, इट्स वेरी लॉन्ग स्टे एंड स्मच रेसिस्टेंट। आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले मैं स्पूली की हेल्प से अपने नेचुरल ब्राउज को मैं ब्रश आउट कर रही हूँ। आपने थ्रेडिंग नहीं करवाया हुआ है या अगर आपके ब्राउज बिल्कुल शेप में नहीं है या फिर यू डोंट अंडरस्टैंड कि मतलब हाउ यू कैन यू नो शेप योर ब्राउज, तो आप यू नो स्पूली की हेल्प से सबसे पहले ब्रश आउट कीजिए। इससे क्या होता है कि एक तो आपको शेप पता चल जाएगा कि व्हाट काइंड ऑफ शेप यू वांट टू क्रिएट विद द स्टाइलर। ओके, सो यहां पे मैं यूज कर रही हूं अब स्टाइलर। आप देख सकते हैं दिस इज इन द शेड ब्लैक में। इसमें आपको एक ब्राउन शेड भी अवेलेबल मिलेगा। आई लव दिस शेड। आप देख सकते हैं बहुत ही पिगमेंटेड है। एंड ऑल्सो फॉर द सॉफ्ट ब्राउज यू कैन गो फॉर दिस प्रोडक्ट। या अगर आपको थोड़ा सा इंटेंस बोल्ड काइंड ऑफ ब्राउज क्रिएट करना है तब भी आप इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट कर रही हूँ मेरे अपर ब्राउज से। आप देख सकते हैं अंडरलाइन कर रही हूँ मैं। तो यूजुअली मैं इसी तरह से अपने आईब्रोज को ड्रॉ करती हूँ। सबसे पहले मैं ऊपर से स्टार्ट करती हूँ फॉलोइंग माय आर्च एंड देन बिल्कुल मैं टेल तक उसे लेके जाती हूँ। देन मैं नीचे से कनेक्ट करती हूँ बिल्कुल मेरी टेल तक। फिर मैं क्या करती हूँ कि धीरे धीरे से फ्रंट ब्राउज को कनेक्ट करती हूँ विथ माई आर्च वाले ब्राउज के साथ, आई मीन लाइन के साथ। ठीक है, तो मैंने नीचे वाले को भी इसी तरह से कनेक्ट किया है। देन जो स्पार्स एरियाज है उसको मैं फिल कर देती हूँ। तो ये प्रोडक्ट आप देख सकते हैं बहुत ही स्मूथली ग्लाइड हो रहा है मेरे ब्राउज में। बिल्कुल मुझे ज्यादा यू नो मेहनत करनी नहीं पड़ रही है टू फिल माई ब्राउज एंड बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है गाइज। तो बिगिनर है इफ यू डोंट नो हाउ टू फिल योर ब्राउज, तो ये प्रोडक्ट डेफिनेटली विल वर्क आउट फॉर यू। फिर मैं स्पूली की हेल्प से ना टचअप देती हूँ। इससे क्या होता है कि जो आपके ब्राउज में जो प्रोडक्ट लगा हुआ है वो अच्छी तरह से आपके ब्राउज में फिल हो जाएगा एंड बिल्कुल नेचुरल इफेक्ट देगा। तो जब भी आप अपने ब्राउज को फिल कर रहे हैं तो स्पूली की हेल्प से आप अच्छे से उसे स्मूदन आउट कर सकते हैं। So I am doing the same thing with my another brows. ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैं ऊपर से ही आर्च से स्टार्ट कर रही हूँ, टेल बना रही हूँ बिल्कुल वहां तक। आपको अगर जितना लगता है आप उतना तक टेल बनाएं। ठीक है, वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जहां तक आपकी लोअर लैश लाइन खत्म हो रही है, ठीक है, तो वहीं तक आप टेल बनाएं। ज्यादा उसे नीचे मत ले जाना, नहीं तो बहुत ही अजीब सा लुक देगा। मैं नीचे से अंडरलाइन करती हूँ एंड देन मैं प्रोडक्ट से फिल कर देती हूँ। तो आप यू नो फ्रंट वाले ब्राउज को भी अच्छे से कनेक्ट कर लो एंड इट्स वेरी इजी गाइज, बहुत इजी है आईब्रोज बनाना। अगर मैं सिंपल वे में आपको बताऊं तो आपको पहले अंडरलाइन करना है, ठीक है, अपने शेप में, अपने ब्राउज के शेप में, एंड देन यू हैव टू फिल इट और फिर आपको स्पूली की हेल्प से ब्रश आउट कर देना है। सो दैट्स इट। तो गाइज मैं आपको हाईली हाईली रिकमेंड करूंगी, डू ट्राई दिस प्रोडक्ट, बहुत अच्छा है। यू गेटिंग 0.3 ग्राम प्रोडक्ट आपको मिल रहा है और मुझे ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अच्छा लगा। सो नाउ मैं यहाँ पे हाईलाइट इफेक्ट दे रही हूँ मेरे ब्राउज को एंड ऑल्सो हल्का सा मैं क्लीन आउट करूंगी। तो आप कंसीलर के हेल्प से कर सकते हैं, ये मैं ब्लू हेवन का ही यूज कर रही हूँ। एंड इससे क्या होगा कि जो आपके ब्राउज होंगे अगर वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन वाला लुक नहीं दे रहा है तो आप कंसीलर की हेल्प से उसे अच्छे से यू नो क्लीन कर सकते हैं, प्लस उसको आप शेप में लेकर आ सकते हैं। ठीक है, सो लेट मी टेल यू द शेड ऑफ दिस वन। ये है इन द शेड क्रीम में और ये फुल कवरेज कंसीलर है, सुपर ब्लेंडेबल है। तो इसको मैं अपने अब आईलिड पे भी अप्लाई कर रही हूँ अंडरनीथ आईज एंड मैं
आई मीन एंटायर बेस आज मैं जस्ट कंसीलर से ही करूंगी. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरे फेस पे ही मैंने अप्लाई कर लिया है कंसीलर. सो देयर इज नो नीड ऑफ फाउंडेशन. ठीक है, तो आज मैंने सोचा कि मैं ब्लू हेवन का यू नो कंसीलर से ही अपना बेस करूंगी. लेट्स सी कैसा होता है. बट बहुत अच्छा कंसीलर है, यू कैन ट्राई दिस वन ऑल्सो. इट्स अ लिक्विड कंसीलर एंड बहुत ही लाइट वेट फॉर्मूला है इसका. नाउ मैं यूज कर रही हूँ ब्लू हेवन का फ्लॉलेस फिनिशिंग पाउडर जो कि है रेडिएंट फिनिश और ये लॉन्ग स्टे लूज पाउडर है. इट्स जस्ट फॉर रुपीज 125 गाइस. तो डू इन्वेस्ट इन दिस वन ऑल्सो. इसकी हेल्प से यहाँ पे मैं कंसीलर को सेट कर रही हूँ. बहुत अच्छे से इसने मेरे कंसीलर को सेट कर दिया, आप देख सकते हैं. एंड बिल्कुल फ्लॉलेस मैट फिनिश लुक इसने दिया है. नाउ आई एम गोना क्विकली डू माई आई मेकअप. और ये लुक आप किसी भी यू नो सिंपल डे पार्टी के लिए क्रिएट कर सकते हैं. और ये मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का शिमर मैट ब्लश और इसी को मैंने अप्लाई कर दिया है एज अ ट्रांजिशन शेड. ऑल ओवर लिट मैं यही शेड अप्लाई करूंगी आज. आई डोंट वॉन्ट टू डू वेरी ओवरबोर्ड वाला आई मेकअप. आई जस्ट वॉन्टेड टू कीप इट रियली सिंपल और बहुत ही ज़्यादा सटल. सो ये बहुत ही प्यारा शिमरी कोरल शेड है. Then मैं इसी शेड को यूज कर रही हूँ फॉर माई ब्लश और इसे मैं अप्लाई करूंगी मेरे एपल ऑफ माई चीक्स पे. फिर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ विंग लाइनर और मैं यहाँ यूज कर रही हूँ ब्लू हेवन का इंटेंस ब्लैक आईलाइनर. बहुत अच्छे से इसने विंग लाइनर ड्रॉ कर दिया विदाउट एनी यू नो क्या कहते हैं क्रैक्स नहीं पड़े बिल्कुल भी विंग लाइनर बनाने में. यहाँ पे मैंने क्लासिक विंग लाइनर ड्रॉ किया है विद द हेल्प ऑफ दिस आईलाइनर एंड मुझे बहुत पसंद आया. सो मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगी आईलाइनर भी. तो आज मैंने आपके लिए प्रोवाइड कर दिया है लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप जरूर जरूर चेकआउट कर लेना. सो गाइस बेसिकली आज का जो ट्यूटोरियल था वो था कि हाउ आई डू माय ब्राउज एंड हाउ यू कैन अचीव द परफेक्ट ब्राउज. और होप मैंने आपको बहुत ही सिंपल वे में एक्सप्लेन कर दिया हो एंड ऑल्सो बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट से मैंने आपको बताया है कि हाउ यू कैन अचीव ए परफेक्ट ब्राउज. तो गाइज आप जरूर ट्राई करना ब्लू हेवन का आर्टिस्टो ब्राउ पेंसिल स्लैश स्टाइलर. इट्स अ मस्ट हैव प्रोडक्ट. और ये ब्लैक वाला तो आप जरूर ट्राई करना, मेरा करेंटली फेवरेट हो चुका है. एंड आई होप दोस्तों आपको आज की ये ट्यूटोरियल पसंद आई हो. पसंद आई है तो डू लाइक शेयर कॉमेंट सब्सक्राइब एंड हिंदी नोटिफिकेशन बेल. और मैं आपसे मिलती हूँ मेरी अगली वीडियो में. तब तक के लिए बाय.